Hello, my dear students. Welcome to the Yogesh Sharan classes. I am Yogesh, your physics tutor. और आज हम लेकर आए हैं अपना electricity chapter का session number 8. I hope last sessions आपने अच्छे से cover कर लिए होंगे. और अगर ऐसा है, then I can guarantee you कि आपका कोई भी question अब उन concepts के base पे रहेगा नहीं, चाहे वो boards की बात हो, Olympiads की बात हो, या फिर NTSC जैसे prestigious exams की बात हो, my dear students. So, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की. हम सीखेंगे कि जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से करंट को चलाया जाता है, थोड़ी देर के बाद वो गर्म क्यों हो जाते हैं. हाँ, ये हम सीखने जा रहे हैं आज. फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट क्या है. यानी आपने सुना होगा ये इलेक्ट्रिक आयरन 200 वाट की है, ये LED सिर्फ 10 वाट की है, ये फ्रिज है अपना 500 वोल्ट का है, ये सब क्या है, ये सब हम सीखने जा रहे हैं आज वाले सेशन में. और फिर हम आज सीखेंगे कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, वो हम सब यहां पे आज सीखने जा रहे हैं. सो अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है. ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा क्योंकि कुछ कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको हम आपस में इंटर रिलेट करके और एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलेंगे. देन लेट अस गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स विद टुडेज सेशन. हियर इट इज. सो विदाउट एनी डिले लेट मी ब्रिंग इट ऑन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स. यस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी टेल यू दैट आवर फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बात हमें पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो कंडक्टर्स होते हैं अपने पास, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फ्री चार्जेस होते हैं जो उनके थ्रू चलते हैं. यस, और वो कब चलते हैं? सर, हमेशा चलते हैं, रैंडमली चलते रहते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में तब चलते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस. यस सर, ये बात तो सही है. तो हम जैसे ही पोटेंशियल यानी वी अप्लाई करते हैं, चलिए बना लेते हैं ऐसा कुछ यहां पर. चलिए, तो यहां पे मान लिया ये अपने पास एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी. मैं यहां पे स्विच वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने जा रहा हूं. ओके, सो यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दी इसके साथ, तो ये V वोल्ट की है मान लेते हैं ये बैटरी. ठीक है सर, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चलने लगेगा. ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है मान लिया I अमाउंट में. ओके, यस सर. तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट जाता है यानी चार्जेस चलते हैं फ्रीली, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाता है. तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब ये चार्जेस चलते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करते रहते हैं. जी हाँ, कोलिजन होता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, जब हमने रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था. हाँ सर, ये चलते हुए आपस में तो भिड़ेंगे. ओके, और ये चलते हुए ना इस मेटीरियल के, जिस चीज का भी ये कंडक्टर बना हुआ है अपने पास, इसके आयन से भी टकराएंगे. ओके सर, तो जब वो कोलिजंस होते हैं, इनके सिर आपस में भिड़ते हैं, कंधे टकराते हैं, तो इनमें गुस्सा उठता है जिसके कारण खून खराबा हो जाता है और गर्म हो जाता है सब कुछ, यानी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बात बताइए, ये हीट आई तो आई कहां से कंडक्टर के अंदर? सर मतलब क्या था इसका, जनरेट किसने किया इस हीट को? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इस पोटेंशियल यानी ये बैटरी है एक तरह की. यस सर, और जैसे जैसे हम इसको कंज्यूम करते जाते हैं, करंट चलते जाता है, इसकी एनर्जी कम होते जाती है, हमें पता है. यस सर, जैसे अपना मोबाइल फोन, उसकी बैटरी जब चार्ज है तो हम उसको यूज करते जा रहे, कुछ टाइम के बाद वो डाउन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो लगातार काम कर रही है, वर्क डन कर रही है. यस, वही वर्क डन इस कंडक्टर के अंदर हीट की फॉर्म में दिखाई देता है हमें. यस, और वो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, वो किसके इक्वल होगी? जितना वर्क डन इस बैटरी ने किया है. क्या ये बात मेरी भेजे में घुसी कि हीट कहां से आई? सर, हीट एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी. यस, तो कहां से आएगी? हमें पता है हीट और वर्क डन एक ही बात है. जी हां, तो ये बैटरी करंट को चलाने में जितना वर्क डन करेगी, वो वर्क डन हीट की फॉर्म में हमें दिखेगा कंडक्टर के अक्रॉस. सो हीट गेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर द
इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर. व्हाई? बिकॉज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मेकिंग द चार्ज इज मूव थ्रू द कंडक्टर गेट्स कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर. बैक कीजिए, पोज कीजिए और इस बात को नोट कर लीजिए जो मैंने अभी लास्ट 5 सेकंड्स में इंग्लिश में आपको बताया है. हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया. आई होप अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. अब सुनिए अगली बात. सर कैसे निकालेंगे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है सर, वो भी सिखा दीजिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो निकाल लेते कि कितना वर्क डन इस बैटरी ने किया है इन चार्जेस को चलाने के लिए. हाँ सर ये निकाल लो, तो वो वर्क डन ही क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा. उतना ही वर्क डन उतनी ही हीट जनरेट होगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब माइंड में आया कि सर वो वर्क डन कैसे निकाले, तो डब्ल्यू वर्क डन तो सर फार्मूले में एक जगह आया था. वर्क डन क्या आया था, ये आया था कि सर V इज इक्वल टू W बाय क्यू. यस, सो पोटेंशियल के द्वारा क्यू चार्ज चलाने में इतना वर्क डन किया गया. यस, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू V. यस सर, ये तो बिल्कुल सही है. अब लेकिन इस क्यू को कहां भगाएं, हमें ये नहीं दिया होता कि इतना चार्ज पास हो रहा है. सर हमें तो ये दिया जाता 4 एम्पियर करंट चल रहा है, 5 एम्पियर करंट चल रहा है, क्यों नहीं दिया जाता सर. अरे तो सिंपल है यार, एक काम करो ना, आपको पता तो है यार कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. यस, सो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी. यस, यहां पे पुट कर दो इसको. सो यहां पे अगर मैं इसको पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू को मैंने I T पुट कर दिया, V ऐसे कैसा. सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर ये आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया एक कंडक्टर पे और I अमाउंट ऑफ करंट चला T टाइम के लिए, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, V इंटू I इंटू टी. ये फार्मूला आप नोट करके रख लीजिए. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V वोल्ट मेक्स द I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फॉर T टाइम, देन V इंटू I इंटू टी अमाउंट ऑफ हीट गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. अब सर एक बात और है, अगर हमें पोटेंशियल ना दे रखा होगी कितना अप्लाई किया है, तो अरे तो करंट दे रखा होगा यार, रेजिस्टेंस दिया मिलेगा, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा. सो अगर सर V ना दे रखा हो और R दे रखा हो सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, अरे करने को क्या करना है यार, V की जगह पे IR पुट कर देंगे. यस, और ये I तो है ही अपने पास, इनटू में ये T है, सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी हो गया. अब अगर मैं क्या कर दूं इस वाले को अगर मैं रब कर दूं सारे को, तो यहां से ओके. सो अब अपने पास यहां पे आपने देखा कि सर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी आ गया. यस, यानी वी इंटू आई इंटू टी कब यूज करना है, जब वी आई और टी दे रखे हो, लेकिन V ना दे के R दे रखा हो तो क्या यूज करना है, I स्क्वायर आर टी. और माय डियर स्टूडेंट्स, अपने एक जूल नाम के सर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये देखा था प्रैक्टिकली भी कि जो हीट जनरेटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर के. ओके, जब R रेजिस्टेंस क्या हो कंडक्टर का फिक्स हो और टाइम T के लिए हमने करंट फ्लो करवाया हो, तो टोटल हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो दिस इज आल्सो नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसको नोट कर लीजिए, नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो क्या बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट सेज दैट मैं फिर से बताता हूं आपको. अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट जनरेटेड अक्रॉस ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर मेकिंग द करंट आई टू बी फ्लोड फॉर टाइम टी, दैट विल प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर टी अमाउंट ऑफ हीट. दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो मैं फिर से आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं. अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इफ आई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू ए रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, देन हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. I hope it is quite clear everyone. So इसको नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में काफी बार ये चीज पूछी जाती है. यस, अब हमारे पास दो फार्मूले आ गए, लेकिन सर एक फार्मूला और बताओ ना कि अगर क्या हो, अगर आपको H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर आपको I ना दे रखा हो तो,
वी और टी और आर दे रखे हो तो फिर आप क्या करेंगे? सर बिल्कुल इजी है, करने को क्या था, आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी बाई आर, और आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर R into T, this amount of heat will get generated, so square cancels R, so heat produced is also equal to V square T by R. तो ये three formula आ गए my dear students अपने पास. पहला क्या था, H is equal to V I T. आपको कोई भी एक याद रखना है, आप ये वाला याद रखिए, तीनों derive हो जाएंगे. अगर current resistance और time दे रखा है तो ये put कीजिए, अगर voltage time और resistance दे रखा है तो ये put कीजिए, और voltage current और time दे रखा है तो V into I into T वाला, पहले वाला जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था वो वाला यूज कीजिए. आई होप जूल जलाओ फिटिंग आपको क्लियर हो गया होगा. अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर मैं एक रजिस्टर के थ्रू करंट को डबल कर दूं तो हीट जनरेटेड पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या वो डबल हो जाएगी हीट, ट्रिपल हो जाएगी, फोर टाइम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या असर पड़ेगा? कम ऑन एवरीवन, पॉज कीजिए और अपना आंसर सोच के रखिए. आप मेरे वाले आंसर से इसको मैच कीजिए, कितना इजी है. देखना सर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, अगर मैं करंट डबल कर दूं तो 2i हो गया करंट, अब 2i का स्क्वायर पुट करूंगा R into T, तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो H के इक्वल तो है नहीं, H डैश मान लेते हैं, तो H डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर आर टी क्या थी, जो पहले हीट थी जब करंट डबल नहीं किया था. ओके, यानी न्यू हीट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रीवियस हीट, यानी आई का स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आप करंट को ट्रिपल करोगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स, सॉरी फॉर दैट. और अगर आप करंट को 4 टाइम करोगे तो हीट जनरेटेड कितने टाइम बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स. व्हाई, क्योंकि I का स्क्वायर है सर यहां पे. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. और हीट की क्या यूनिट होती है सर, चाहे एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसकी यूनिट तो क्या होगी, जूल. अब माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम, लेट अस मूव फर्दर फॉरवर्ड टू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. यस, व्हाट डज इट से, प्लीज पे योर अटेंशन. Two coils of resistances, 3 ohm and 6 ohm, are connected in series across a battery of EMF 12 volt. Okay. Find the electrical energy consumed in 1 minute in each resistance when they are connected in series. Pause कीजिए, खुद से solve कीजिए, मजा आएगा. और फिर answer match कीजिए जो मैं करवाने जा रहा हूँ उससे. So, चलिए भाई देखते हैं. Two coils. एक का रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक का 6 ओम है. चलिए तो ये वाली 3 ओम और एक ये वाली 6 ओम. ओके, उनको 12 वोल्ट से कनेक्टेड कर दिया सीरीज में, और ये वाली मान लिया हो गया कितना, बैटरी हमने कितना अप्लाई कर दिया, 12 वोल्ट. ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब एक बात बताइए, जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल करंट कितना चलेगा? सर आई फ्लोइंग, अब मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप कंसेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर. सो करंट कितना फ्लो करेगा, वी 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 6 9, क्योंकि सीरीज में है दोनों. सो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4/3 एम्पियर. ओके, सो 4/3 एम्पियर तो यहां से गया और उतना ही यहां से गया, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है. तो बताइए इसके थ्रू हीट कितनी जनरेट होगी. अब एक बात और है माय डियर स्टूडेंट्स, इसने अलग पोटेंशियल कंज्यूम किया है, इसने अलग पोटेंशियल कंज्यूम किया है, ये भी कंफर्म है अपने को. यस, तो इस वाले ने कितना पोटेंशियल कंज्यूम किया है, वी इज इक्वल टू आई आर, इसका आई कितना है 4/3, आर कितना है 3, ये रहा. सो 3 कैंसल, 4 वोल्ट इसने पोटेंशियल ड्रॉप यूज किया, तो टोटल 12 था, इसके पास 4 हुआ तो इसके पास कितना है सर, बचा हुआ 8, निकाल भी लेते हैं. चलो V is equal to IR, I तो 4/3, R कितना 6, so 3 × 6 4 × 2 = 8 वोल्ट. यस सर, अब तो क्लियर है. अब इसके अक्रॉस हीट जनरेटेड निकाल दो, इसके अक्रॉस क्या निकाल दो, हीट कितनी जनरेट हुई. सो H इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, I है, R है, V है, सब कुछ तो, चाहे कोई भी फार्मूला लगा दीजिए आप. चलिए हम लगा लेते हैं V into I into T.
चलिए V into I into T. अब V कितना है इसके across? 4 volt. I कितना है? 4/3 into time कितना है? Time 1 minute के लिए हर एक में से, यानी 60 seconds. So 60 यहाँ पे put कर दीजिए. So 3 cuts it on 20. 4 4 16 into 20. 320 joule. I hope ये सबको clear होगा. Any doubt in it? अगर कोई भी doubt है, आपको पता है क्या करना है. लास्ट सेशंस में आप सीख चुके हैं कि कैसे मेरे तक अपनी डाउट पहुंचानी है. हो सकता है आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपनी डाउट, या फिर 9729856173 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है फिर भी तो आप मुझसे डायरेक्ट गूगल मीट या जूम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज कर दीजिए. सो यहां पे एच इज इक्वल टू, अगेन कोई भी फार्मूला आप ले सकते हैं, वी इंटू आई इंटू टी ले लीजिए फिर से. चलिए V कितना है? 8 वोल्ट. ओके, I कितना है भाई? 4/3 इंटू टाइम कितना है? अगेन 120 सेकेंड्स, नहीं 1 मिनट है. सो 60 सेकेंड्स. ओके, सो 3 कट्स इट ऑन 20. सो दिस इज 8 4 32 इंटू 20, 640 जूल. आई होप हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस बोथ आपके पास क्लियरली आ गई है. इसको नोट कीजिए. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, नाउ लेट्स मूव टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है. चलिए इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं. मेरे पास वर्क डन है. ओके, नाइन्थ क्लास में आपने सीखा था कि वर्क डन कितने टाइम में किया जा रहा है. अगर ये रेशियो में निकाल लूं, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे जैसे माय डियर स्टूडेंट्स क्या था, यहां पे एक बेंच रखा था. एक एग्जांपल देता हूं आपको. ओके, एक बेंच यहां पे रखा है और एक और बेंच सेम मास का यहां पे रखा है. अरे अरे अरे, चलिए एक और बेंच यहां पे सेम मास का रखा है. ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां पे एक बॉय ने क्या किया, इस बेंच को उठाया और यहां पर रख दिया. ठीक है सर. अब ये वाला बेंच एक गर्ल ने उठाया. ओके, और इसको यहां पे रख दिया. ठीक है सर, चलिए टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना है, ये गर्ल ने रख दिया. अब दोनों बेंचेस का मास सेम था, सेम डिस्टेंस तक दोनों ने रखा, तो बताओ दोनों ने सेम वर्क डन किया या नहीं? यस और नो? सर सेम मास था बेंच का, सेम दूरी पे रखी है. यानी सर अब एक बात और मैं ऐड कर दूं इसमें कि बॉय ने तो रख दिया उसको 2 मिनट में उठा के वहां पे. ओके, और गर्ल ने रख दिया 1 मिनट में. ओके, तो किसने ज्यादा वर्क डन किया है, काम किसने ज्यादा किया है, सोचिए पॉज करके. अरे सर काम तो दोनों ने इक्वल किया है, क्योंकि इसने भी उतने ही मास वाला बेंच उठा के यहां पे रखा है और गर्ल ने भी उतने ही मास या वेट वाला बेंच उठा के यहां पे रखा है. सो दोनों को सेम फोर्स लगाना पड़ा, सेम डिस्प्लेसमेंट करानी पड़ी, यानी वर्क डन तो दोनों में क्या है, सेम है. ओके, अब एक बात बताइए, अगर गर्ल ने जल्दी से कर दिया वो काम एज कंपेयर टू दिस बॉय, यानी गर्ल ने क्या ज्यादा किया, क्या वर्क डन? नहीं सर, वो तो सेम है दोनों का. तो अगर कोई बंदा ज्यादा तेजी से करता है कोई काम, यानी वो ज्यादा पावर अप्लाई करता है. यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर इज नथिंग बट सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. लेकिन सर यहां पे तो कंडक्टर के थ्रू चार्जेस पास होती है ना, बैटरी पास कराती है. सो यहां पे तो कोई सामान नहीं रखना हमें यहां से वहां, तो यहां पे मैकेनिकल पावर नहीं है, कौन सी है, इलेक्ट्रिक पावर है माय डियर स्टूडेंट्स. यानी चार्जेस को चलाने में आपने, आपकी बैटरी ने कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम किया, वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप समझ में आ गया होगा. अब अगर मैं ये देखूं कि यूनिट क्या होती है पावर की, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल. टाइम की यूनिट सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर. और इस जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. क्या बोलते हैं, वॉट. सो पावर कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम. क्या समझ में आया, नोट कीजिए इसको. इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, और से पावर कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन
इन 1 सेकेंड। क्या ये क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगा। सो 1 वोल्ट आप डिफाइन कर सकते हो। अब आपको ये भी पता चल गया कि जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वोट बोलते हैं सर। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं अपने पास ना अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की रेटिंग होती है। क्या होती है? रेटिंग। चलिए उस पे भी आएंगे। उस रेटिंग में लिखा होता कि 220 वोल्ट 100 वाट कुछ इस तरह से, उसका क्या मतलब होता है वो भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए एक फार्मूला देख लेते हैं कि सर किसी अप्लायंस ने कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की, अगर वो हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, हमें पता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस डब्ल्यू बाई टी। यस सर। अब डब्ल्यू किसके इक्वल है सर? अब बताया तो था आपने वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू V। yes my dear students, so W को मैं क्या लिख लूंगा, Q into V divided by time, ये ऐसे कैसा। ओके, अब ये बताओ Q by T क्या होता है, Q by T क्या होता है, fast, so sir P is equal to ये V तो ऐसे का ऐसा, और into Q by T होता है I, electric current, so P is equal to V into I। कितना इजी फार्मूला है। और अब फिर से वही बात कि सर अगर हमें V ना दे रखा हो, क्या दे रखा हो, करंट दे रखा हो और रेजिस्टेंस दे रखा हो, अगर आपको V और I दे रखे तो पावर आप निकाल लेंगे। यस, अप्लायंस की, अप्लायंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा। और अगर V की बजाय I एंड R दे रखे हैं, V को क्या पुट कर लूंगा, आई आर, और ये I तो है ही अपने पास, सो देन पावर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज I स्क्वायर R। सो ये दूसरा फार्मूला हो गया भाई पावर का। यस सर। अब एक और फार्मूला हो सकता है, इस फार्मूले में V नहीं है, इस फार्मूले में V नहीं है, इसमें R नहीं है। ओके, अब कोई ऐसा फार्मूला और देख लो जिसमें I ना हो। क्या ना हो? I आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब आप क्या करेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूं, I की बजाय V रख सकता हूं। यस, तो I स्क्वायर की बजाय I की बजाय V बाई R रख सकता हूं। यस सर। सो I स्क्वायर की बजाय V स्क्वायर बाई R स्क्वायर पुट कर सकता हूं, R ये रहा तो R स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, सो P इज ऑल्सो इक्वल टू V square by R। so, आपको ये तीनों फार्मूला याद होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तीनों की जरूरत नहीं याद रखने की, एक याद रख लीजिए कोई भी जो आपको इजी लगता हो। मान लिया ये है P is equal to V into I। अब इसका यूज करके आप कोई भी एक निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसी से ये बन रहा है और इसी से ये बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? अब हम वैसे तो वाट में डिनोट करते हैं, लेकिन इसको मैं किलोवाट में भी लिख सकता हूं। यस, और मेगावाट एटसेट्रा, हम कोई भी यूनिट इसकी यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सर हम इलेक्ट्रिक पावर और हीट जनरेटेड को आपस में रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अरे W क्या था, हीट जनरेटेड ही तो है, वर्क डन। यस, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो मैं पावर को और क्या बोल सकता हूं, आप पावर को और बोल सकते हो W by T, और heat generated per unit time। Yes, so heat generated कितनी होती है, I square R T divided by this time T, T ने T को cancel कर दिया, P is equal to I square R। अरे सर यही तो है, यानी कोई अलग चीज थोड़े ना है। Is it clear everyone? I hope मजा आया होगा ये चीज समझ के। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन इसके बेस पे भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बेस पे, और चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यस, सो द रेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम एक बार रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सीख लेते हैं। जैसे आप एक बल्ब लेके आए, 10 रुपीज का बल्ब आ जाता है बाजार से, या फिर आप एक एलईडी बल्ब लेके आए 50 to 100 रुपीज, वो भी अलग अलग वेरी करता है रेट, तो वो भी आप लेके आए अगर बाजार से, तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर एक रेटिंग होती है, ऐसे लिखा होता है 100 वाट, 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका? अरे इसका मतलब है कि अगर आप 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे उस बल्ब को यूज करोगे तो वो 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा जब आप उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे। ओके, और सर अगर 240 पे ऑपरेट करेंगे तो अलग अमाउंट में कंज्यूम करेगा। तो सर इस 100 वाट का क्या मतलब है, ये तो आपको एक आइडिया दे रखा, रेटिंग दे रखी है
कि अगर आप 220 वोल्ट पे उसको यूटिलाइज करते हो तो इतने पावर कंज्यूम करेगा, किसी अलग अमाउंट में करते हो तो अलग अमाउंट में करेगा। सो सर हम निकाल क्या सकते हैं, मतलब अगर पावर ये रेटिंग दे रखी है सर किसी बल्ब की हमें, या किसी टीवी की, फ्रिज की, कूलर की, तो हम इससे क्या समझें, क्या पता चल रहा है हमें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इससे पता चलेगा उसके रेजिस्टेंस का, कि ये कितना ज्यादा करंट को अपोज करता है अपने थ्रू चलने में। यस, कैसे सर? पावर दे रखी है, पावर दे रखी है P इज इक्वल टू, हमें पता है सर P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। यस, सो P इज इक्वल टू V इंटू I, या फिर I स्क्वायर R भी होता है। यस, तो हम यहां से रेजिस्टेंस कैसे निकालें? अगर हमारे पास P और V गिवन है तो R कैसे निकालें? तो हमें पता है P इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। अब जिस बल्ब की रेटिंग ये है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? V स्क्वायर, ये वाला V लेना है, वो वाला नहीं जो अप्लाई कर रखा है आपने। आपके घरों में हो सकता है हर रोज 220 वोल्ट ना आए, कभी कभी जब लोडिंग ज्यादा हो जाती तब 180 वोल्ट भी आ जाता है। यस सर, कभी आपका आप जब एसी का जो आपके घर में स्टेबलाइजर होता है, या फिर जो मेन स्टेबलाइजर है, उसमें आप देखेंगे कि एसी आपके घर पे जो आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, हवा देने वाली एसी की नहीं, नो, अल्टरनेटिंग करंट, जो करंट आपके घर पे आ रहा है वो फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो जरूरी नहीं वो हमेशा 220 वोल्ट पे रहेगा, पोटेंशियल लगातार कम ज्यादा होता है तो करंट भी कम ज्यादा होता है, लेकिन ये जो है ये तो फिक्स रहेगा ना। यस, तो ये रेटिंग पे डिपेंड करता है। ओके, सो रेटिंग V स्क्वायर 220 इनटू 220, ओके, डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड 100 वाट। सो 100 से डिवाइड कर दो, 2020 से कैंसिल कर देंगे, यानी 484 ओम उस बल्ब का रेजिस्टेंस है जिसकी रेटिंग ये है। तो आप रेटिंग से किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? क्लियर है आपको? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ये बोल दूं कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग ये है। ओके, लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपको, ए बल्ब हुज रेटिंग इज 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट। ओके, अब आगे लिखिए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट बल्ब व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 240 वोल्ट, एट 240 वोल्ट। ओके, यानी एक चीज और दे दी कि 240 वोल्ट पे इसको क्या किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू करंट बताओ कितना चलेगा? अरे सर, करंट I तो किसके इक्वल होता है? V बाई R के इक्वल। V कौन सा लूं, ये वाला लूं या ये वाला लूं? अरे वो लो ना जो अप्लाई किया है, जो करंट को चलाने में मदद करेगा, वो तो ये है ना जो आपने अप्लाई किया। ये क्या है फिर? अरे ये तो एक आइडिया दे रखा है आपको कि इतने वोल्ट अप्लाई करने पे इतनी पावर होगी। यस, और ये क्या है? ये एक्चुअल में जो अप्लाई किया गया है। ओके, सो V जो अप्लाई किया गया है यहां पे आएगा, बाय में R जब रेजिस्टेंस निकाला तब इसका यूज किया हमने, इस वाले का। क्यों सर, तब इसका क्यों नहीं? क्योंकि अरे रेजिस्टेंस तो जब वो ऑफ था तब भी था ना उसका रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ। यस सर, लेकिन जब ऑफ था तब ये तो नहीं थी ना? नो सर, ये तो था ना। यस सर, ये बात मेरी बार बार आपको देखनी है, बैक करके फिर से, बैक करके फिर से, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं कि मैं यहां पे कौन से वाला वी लूं और यहां पे कौन से वाला वी लूं। आई होप इट इज क्लियर नाउ एवरीवन। सो आर डिवाइडेड बाय आर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बीइंग गिवन? व्हाट वाज द, यस वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट, इट इज 484 ओम। सो दिस मच एम्पीयर ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप मजा आया होगा पावर का कंसेप्ट समझ के। यस, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राई कर लेते हैं इसके बेस पे ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन इज सेइंग ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड 7.5 मिली एम्पियर एंड 2.5 वोल्ट। ओके, यानी दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है? यानी भाई अगर आप इतना अप्लाई करते हो तो इतना करंट चलेगा, ठीक है? तो देख लेते हैं गिवन क्या है पहले, जस्ट वेट। सो गिवन क्या है? चलिए भैया, सो गिवन इज दैट सर इसने दे रखा है V इज 2.5 वोल्ट, रेटिंग है ये, रेटिंग है, और I इज 750 मिली एम्पियर, मीन 750 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, मीन 750 को मैं 1000 से डिवाइड कर दो तो भी एक ही बात है, इतने एम्पियर, इतना ये करंट है। ओके, कैलकुलेट इट्स पावर
हमें इसकी पावर निकालनी है। ओके, सो हमें पता है पावर का फार्मूला सर, वो तो V इंटू आई होती है। यस, और उसके लिए कोई अप्लाइड पोटेंशियल की जरूरत नहीं है हमें, जैसे कि यहां पे हमें V भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, रेटिंग दे रखी है, पहले से लिखा रेटेड, तो हम आराम से P निकाल सकते हैं। V इंटू आई मीन्स V इज 2.5 इंटू आई इज 750 बाई 1000। अब 1000 ये जीरो से जीरो कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू 187.5 by 100 and it will be equal to 1.875 watt। क्या है, क्लियर है सबको? I hope ये समझ में आ गया होगा। Easily values ही हमें put करनी है। अब B part में पूछा इसका resistance कितना होगा। Okay, अब हमें resistance पता है, simple V और I given है, rating वाले, applied वाले नहीं। Okay, so rating वाले V और I पता है, तो रेटिंग वालों का यूज करके हम रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। R is equal to V by I। अरे सर ये तो बिल्कुल इजी था। यस, सो V कितना है 2.5 by I कितना है 750 by 1000। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा। यस, सो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10/3 आ जाएगा, यानी इतने ओम रेजिस्टेंस है। थर्ड फैक्टर में क्या पूछा है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इफ लाइटेड फॉर 4 आवर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी कंज्यूम निकालनी है अगर 4 आवर के लिए उसको यूज किया जाए। अब एक बात बताओ, एनर्जी जूल में निकालनी है, निकाल देंगे। सो यहां पे अगर मैं आपको एनर्जी निकाल के दिखा दूं, यहां पे आई होप क्लियर होगा। सो एनर्जी सर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यस, सो सर एनर्जी यानी W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यस, सो हमने देखा पावर कितनी है, 1.875 वॉट। ओके, 1.875 वॉट इनटू टाइम कितना है, 4 आवर। सो 4 आवर यानी वाट आवर्स में अपने पास एनर्जी कंज्यूम्ड आई है। वाट सेकंड में होती तो हम जूल बोल देते, लेकिन वाट आवर में इसलिए जूल नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या करें सर, उसके लिए 1.875 इंटू 4 इतने वाट आवर है, आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतने वाट सेकंड यानी इतने जूल। दिस मच इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजिली। आई होप क्लियर होगा आपको। So, यहां से आंसर आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड का भी आ जाएगा। आई होप मजा आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की जो यूनिट आप घरों पे यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, उसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोला जाता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, समझते हैं क्या फंडा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। आपके घरों में जो बिल आता है, वो आपने सुना होगा कि मेरे घर पे अबकी बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल 40 यूनिट आया। ओके, आपके फ्रेंड के घर पे बिल 50 यूनिट्स आया। अरे सर ये यूनिट्स होती क्या है, ये यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट है ये, और कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 40 यूनिट आया 50 यूनिट आया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी की बात हम क्लियरली करेंगे, देखना ध्यान से देखना है। एक बात बताओ, घर पे हमें पता कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। यस सर, यानी एनर्जी यानी वर्क डन जो आपने गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज की है, जितनी एनर्जी आपने एक महीने में गवर्नमेंट की यूज की है, वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो वर्क डन किसके बराबर होगा, जो पावर है आपके घर पे अप्लायंस लगे हैं, टीवी फ्रिज कूलर एटसेट्रा, उनकी पावर मल्टीप्लाइड विद द टाइम, जितने टाइम के लिए उस अप्लायंस को आपने यूज किया है, वो आपको क्या देगा, उस अप्लायंस ने कितनी एनर्जी गवर्नमेंट की यूज की है। अब एक बात बताओ, अब एक छोटी सी बात बता दो मुझे, इस एनर्जी के लिए हमने एनर्जी वर्क डन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए हमने पावर इनटू टाइम फार्मूला बना लिया, आ गया अपने पास। पावर को किस में मीजर करते हैं, वॉट में, टाइम को सेकंड में, और एनर्जी को वॉट सेकंड में यानी जूल में। सो यही क्या होता है, जूल होता है। यस सर, अब एक बात बताओ, मेरे पास एनर्जी किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम। अब मैं पावर को वाट की बजाय किलोवाट में कन्वर्ट कर लूं, ओके,
टाइम को सेकंड के बजाय हावर में लिख दूं, सो किलोवाट हावर किसकी यूनिट है? सर वो भी एनर्जी की ही यूनिट है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस 1 किलोवाट हावर एनर्जी को ही 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम। यही क्या है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो घरों में जो बिल आता है, अगर आपका 20 यूनिट बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी का इस मंथ, यानी 20 किलोवाट हावर एनर्जी आपने गवर्नमेंट की यूटिलाइज की है। सर हम किलोवाट हावर में क्यों मेजर करते हैं, जूल में क्यों नहीं करते? अभी बताता हूं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। देख लो सर, चलो 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मींस 1000 वाट। यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, इनटू 1 हावर मींस 3600 सेकंड्स। बिल्कुल सर लिख सकते हो, यानी 1 किलोवाट हावर इतने वाट सेकंड के बराबर होता है। और इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड को मैं लिख सकता हूं जूल, यानी 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट हावर ऑफ एनर्जी कितनी होती है भैया? 3.6 × 10⁶ जूल। अरे 36 लाख जूल एनर्जी आपने गवर्नमेंट की यूज कर ली अगर 1 यूनिट बिल आया तो आपके पास। अगर वो इसको 1 यूनिट की बजाय ये बोल देते घर पे आके कि आपका बिजली का बिल अब की बार 36 लाख जूल आया है, हार्ट अटैक आ सकता है भैया, आ सकता है ना। हाँ, तो जूल एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मामले में? किलोवाट हावर को। और किलोवाट हावर थोड़ा लंबा है बोलने में, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? यूनिट बोल देते हैं। तो अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल 20 यूनिट्स आया है तो समझ जाओ 20 किलोवाट हावर आया है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। तो ये घरों में हम वाट सेकंड की बजाय किलोवाट हावर यानी यूनिट का यूज करते हैं, इसीलिए किलोवाट हावर कमर्शियल यूनिट बोली जाती है एनर्जी की। कमर्शियल क्यों? कमर्शियल वो होता है जो हम घरों में यूज करते हैं फॉर आवर कमर्शियल यूज। सुना होगा आपने कमर्शियल सिलेंडर का रेट इतना हो गया और बाजार वाले सिलेंडर का रेट इतना हो गया। आई होप इट इज क्लियर। सो घरों में यूज की जाती है यूनिट, इसीलिए हम इसको किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? आई होप दैट वाज नॉट मच डिफिकल्ट टू गेट अंडरस्टूड। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? ध्यान से सुनना है और सोल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके फिर मैं समझाता हूं। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट वी कैन से इन दिस केस, 2 bulbs of 100 watt each and 2 coolers of 250 watt each work on an average of 6 hours, okay, a day, okay. If the energy cost rupees 1 energy costs, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं आपको, ये 250 watt है, ये energy लिखा है, यहाँ पे costs rupees 1.75, calculate the monthly bill and the minimum fuse rating when power is supplied at 250 volt. Okay, so my dear friends, चलिए इसको निकालते हैं, काफी इजी है सर, क्या निकालना है? Okay, calculate the monthly bill. Monthly bill निकालना है सर, मंथ में कितने डेज है? 30 डेज मान लेते हैं। Okay, तो मंथली बिल कैसे निकलेगा सर? बहुत इजी है भाई, कैसे? एक दिन का बिल निकाल लो भैया, एक दिन का सर। हाँ चलिए, कैसे सर? एक दिन में टोटल एनर्जी कंज्यूम कितने की है गवर्नमेंट की, वो पावर इनटू टाइम के बराबर होगा। यस बिल्कुल भैया। ओके, तो पावर इनटू टाइम, पावर कितने कंज्यूम की है? 2 बल्ब हैं 100 वाट के, ओके, और 2 कूलर हैं 250 वाट के, ओके, हर रोज 6 घंटे काम करते हैं। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब्स, पावर ऑफ द बल्ब 100 AC और 100 AC कितनी होगी टोटल? 200 वाट। ओके, सो 200 वाट के बल्ब कितने टाइम के लिए? 6 आवर के लिए। ओके, 6 आवर के लिए यूज होते हैं, यानी इतने वाट हावर, दिस इज द वाट हावर। तो हम इसको किलोवाट हावर में कन्वर्ट करेंगे ताकि यूनिट्स निकाल सके एक दिन में बल्ब ने कितनी यूज की। यस, सो इट इज इक्वल टू 6 × 12/10, 12/10 यूनिट्स तो एक दिन में बल्ब कंज्यूम करते हैं। ओके सर, अब देखते हैं एक ही दिन में कूलर कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पावर इनटू टाइम। यस, पावर किस में लेनी है? किलोवाट में।
एक बल्ब की पावर है, एक कूलर की पावर है 250 वाट। ओके, सो दोनों कूलर की कितनी 500 वाट। यस सर। अब 500 वाट उसको किलोवाट में लिखेंगे, 500 बाय 1000 किलोवाट। ओके, सो ये तो हो गया किलोवाट में। अब इनटू हावर, कितने हावर के लिए काम करते हैं, 6 हावर के लिए। ओके, तो 6 ऐसे नहीं करना कि सर एक 6 आवर के लिए चला दूसरा फिर से 6 आवर के लिए, नहीं, वो एक साथ चल रहे हैं 6 आवर के लिए, यानी एक साथ 500 वाट कंज्यूम हो रही है लगातार 6 घंटे के लिए। ओके, सो कूलर ने टोटल कितनी किलोवाट आवर कंज्यूम की, दैट विल बी इक्वल टू 20s 20s 30 बाय 10 यूनिट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन में टोटल कितनी यूनिट्स कंज्यूम की है इलेक्ट्रिसिटी की इस घर में? सर 12 बाई 10 प्लस 30 बाई 10 42 बाई 10 यूनिट्स। यस, सो टोटल यूनिट्स इन वन डे किसके इक्वल है 42 यूनिट्स। ओके, अब वन मंथ में बताइए, वन मंथ में 30 डेज होगी, तो टोटल यूनिट्स इन 30 डेज दैट विल बी इक्वल टू 42 × 30 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, एक यूनिट का रेट कितना है, 1.75। यस, एक किलोवाट आवर का रेट 1.75 है, तो इतने किलोवाट आवर का रेट कितना होगा? सो टोटल बिल दैट विल बी इक्वल टू 42 × 30 × 1.75। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपीज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एवरीवन, यस और नो? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वाइट इजीली। क्या क्लियर है सबको? अब आप यही पावर, यही नंबर ऑफ यूनिट्स हर एक बल्ब की अलग अलग निकाल सकते थे। पहले एक बल्ब की निकालते, फिर दूसरे बल्ब की निकालते, फिर पहले कूलर की निकालते, फिर दूसरे कूलर की निकालते और सबको ऐड कर देते, वो भी यही आना था। यस, सो इस तरह से हम घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। अब उसने कहा, व्हाट इज द मिनिमम फ्यूज रेटिंग व्हेन पावर इज सप्लाइड एट 250 वोल्ट? सर ये फ्यूज का क्या फंडा है? चलिए अब इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक का आपको इजीली क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी अब चलते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ। चलिए भैया, क्या एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की? सर हम डेली लाइफ में देखते हैं करंट के कारण चीजों का गर्म होना हम कहां पे यूज करते हैं? पहला, प्रेस करने में, कपड़ों को प्रेस करने में करते हैं या नहीं? अगर चलता हुआ करंट हीट प्रोड्यूस ना करता तो क्या हम प्रेस कर पाते करंट का यूज करके? नहीं सर। ओके, दूसरा, घरों में हीटर होता है या सर्दियों में बहुत जरूरत होती है सर, तो क्या हीटर हीट प्रोड्यूस करता अगर चलता हुआ करंट हीट जनरेट ना करता? तो नहीं कर पाता सर, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। यस, अपने पास इनकैंडेसेंट बल्ब होता है घर में, वो येलो वाला, येलो लाइट जो देता है। यस सर, उसमें क्या होती है, एक टंगस्टन की फिलामेंट होती है। क्या होती है? टंगस्टन की फिलामेंट। वो क्या करती है, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो लगातार गर्म होती जाती है। ओके, और माय डियर स्टूडेंट्स, गर्म होके जलने लगती है, हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है और हमें दिखने लगता है अंधेरे में भी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब में हम कंडक्टर नहीं लेते, ना ही तो प्रेस में, ना हीटर में, ना ही आपके बल्ब में हम कंडक्टर नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं, अलॉयज लेते हैं। क्या लेते हैं? अलॉयज, ना कि कंडक्टर। अच्छा सर, अलॉयज का यूज क्यों करते हैं? जैसे टंगस्टन है वो भी एक अलॉय है, अलॉय का यूज क्यों करते हैं सर? क्योंकि अलॉय ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस काफी हाई होता है जिनका। ओके, सो उनमें अगर थोड़े टाइम के लिए भी करंट पास किया जाए तो हीट ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट करेगा थोड़े टाइम में। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अलॉयज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट कराने के लिए हम अलॉयज का यूज करते हैं, ना कि कंडक्टर्स का, क्योंकि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, यानी फ्यूज की। फ्यूज क्या होता है सर? ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए भैया अब सुनो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज और कैसे काम करता है? आपके पास ये एक सर्किट था, कहां है सर सर्किट? ये रहा। ओके,
इसमें ना ये जो टीवी लगा है आपका, ये जो टीवी लगा है ये ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर तक का करंट सहन कर सकता है। ओके सर, यानी अगर आप इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ यहां पे आप अगर 220 वोल्ट अप्लाई कर दे तो मान लिया 10 एम्पियर करंट चलता है सर्किट में। ओके, अब इस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है ना। नो, हो सकता गवर्नमेंट से गलती हो जाए, जो एम्प्लॉय बैठा है बिजली घर में वो 220 की बजाय 260 वोल्ट अप्लाई कर दे। ओके, और आपके टीवी जो 10 एम्पियर तक ही सहन कर सकता है उसके थ्रू करंट अगर 10.1 एम्पियर आ जाए तो आपका टीवी क्या हो जाएगा? ब्लास्ट, क्या हो जाएगा? जल जाएगा, काम करना बंद कर देगा, खराब हो जाएगा, खर्चा आ जाएगा घर पे, है ना, क्योंकि नया लेना पड़ेगा आप तो टीवी। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे फंडे से बचने के लिए कि भाई गवर्नमेंट तो गलती कर सकती है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी गलतियां करती है सर, करप्शन इतना ज्यादा है ना, तो वो तो उम्मीद है गवर्नमेंट से, लेकिन हम तो सेफ साइड चलेंगे ना, तो सर करें क्या उसके लिए? हम करें क्या? जस्ट वेट। सो उसके लिए हम करें क्या माय डियर फ्रेंड्स? उसके लिए हम क्या करते हैं? एक फ्यूज का यूज करते हैं। तो यहां पे हम एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्यूज वायर। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। अच्छा सर, कैसे काम करता है वो बताता हूं आपको। ये आप 10 एम्पियर की रेटिंग का ले लो। कितनी रेटिंग का? 10 एम्पियर की रेटिंग का। 10 का ही क्यों? क्योंकि जिस अप्लायंस के से पहले आपने इसको लगाया है इस अप्लायंस में 10 एम्पियर तक का ही करंट सेफली पास हो सकता है, 10 से ज्यादा पे ये ब्लास्ट कर देगा अप्लायंस को। यस, तो इसके लिए हम ऐसी चीज इससे पहले यूज कर लेते हैं जो कि 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आने पे खुद को ही ब्लास्ट कर ले और आगे करंट ना जा पाए, यानी सर्किट को ब्रेक कर दे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इसके बीचों बीच एक वायर होता है। क्या होता है? वायर। और ये वायर ऐसा है कि जिसमें कि ऐसा मटेरियल का वायर यूज कर रखा है जिसमें से अगर 10 एम्पियर से थोड़ा सा भी ऊपर करंट पास हो तो उसमें इतनी हीट जनरेट होगी कि वो मेल्ट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और टूट गया तो आगे करंट पास नहीं होगा, और आगे करंट पास नहीं होगा तो अपना टीवी फ्रिज कूलर जो है वो सेफ रहेगा। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। सो हम ऐसे वायर को लेते हैं, ऐसे मटेरियल का वायर यूज करते हैं फ्यूज बनाने में जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो हो ताकि वो थोड़े से में ही पिघल जाए, और जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस हाई क्यों? ताकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। यस, और क्या कहा मैंने? मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों? ताकि वो इजीली पिघल सके जब करंट ज्यादा पास हो। सो आई होप क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। सो बाय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी चीज जो आपको पढ़ाना रह गई हो, आई थिंक 110% कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ बाकी है या कुछ आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर 9729856173 पे व्हाट्सएप के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। कॉल इस नंबर पे पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ मैसेजिंग होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 15-20 क्वेश्चंस लेके, जिनके बेस पे इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हम निकाल देंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो सी यू सून ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगले चैप्टर से पहले मुझे मैसेज कीजिए, अगले सेशन से पहले मुझे मैसेज कीजिए कि क्या कोई टॉपिक है ऐसा जो रह गया हो, मेरे ख्याल में नहीं रहा है। सो पढ़िए इसको ध्यान से। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू।